टीम इंडिया ने अपने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ही जैसे ही ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है, वैसे ही भारत ने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना होना इंग्लैंड की टीम से, वही इंग्लैंड की टीम जिसने पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में 10 विकेट से हरा के बाहर किया था और बाद में फाइनल में पाकिस्तान को हरा के वो खिताब भी जीत लिया था। ये मैच खेला जाएगा अब गयाना में, जहां बारिश का अनुमान बहुत ज्यादा है। अगर बारिश आती है और इसकी वजह से मैच रद्द होता है तो इसका सीधा फायदा होगा भारतीय टीम को। कैसे होगा वो आपको इस वीडियो में मैं आगे बताता हूँ। ये जानने के लिए हमें T20 वर्ल्ड कप के एक बार नियमों को भी जानना होगा। अगर बारिश T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले को खराब करती है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। इसकी पहली वजह यह है कि इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल है। ये पहले से ही तय किया जा चुका था कि इस मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि या तो मुकाबला उसी दिन यानी कि जो 27 जून है वहीं खेला जाए या फिर रद्द हो जाए, और अगर रद्द हुआ तो किसी दूसरे तरीके से फाइनलिस्ट टीम चुन ली जाएगी। ये दूसरा तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। ये भारत के पक्ष में बहुत हद तक है। ICC और T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो आयोजक हैं उन्होंने पहले ही तय किया था अगर सेमीफाइनल मैच रद्द होता है तो सुपर 8 के नतीजे से फाइनलिस्ट टीम चुन ली जाएगी। ऐसा होने पर सुपर 8 में ज्यादा मैच जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह दी जाएगी या फिर अपने ग्रुप में जो टीम टॉप पे थी, अच्छी रैंकिंग के साथ थी, वो टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। भारत ने सुपर 8 में अपने तीनों मैच जीते जबकि इंग्लैंड की टीम दो मैच ही जीत पाई और एक हार गई थी। इसलिए अगर गयाना में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में मौसम की मार पड़ती है, मैच रद्द होता है, तो ये सीधा सीधा इंग्लैंड की टीम के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरी ओर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। अब खास बात यह है कि वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। दूसरे सेमीफाइनल में अगर बारिश आती है तो 4 घंटे 30 मिनट तक खेल शुरू होने का इंतजार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैच को कर दिया जाएगा रद्द, और मैच हुआ रद्द तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच जाएगी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में।